मेहनत करनी पड़े तो स्वाद नहीं आता। ठीक है, मुंह क्या देख रहा है मेरा, जा मेरा भरा जा, शाबाश। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फोन पढ़ा दे मेरा यार जल्दी। आए एक काम करता हूँ, वो खारिश वाला भी दे देता हूँ, गलती से हाथ पीछे जाएगा, एक तो वजन भी कम हो जाएगा और थक भी जाओगे, है ना? कहते तो खुजा दूं, यहाँ तक आ जाए। ओ ना 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 ना, मैं कर लूंगा खुद ही कर लूंगा, जा तू। हमाद ये बंद करो मौसीकी, मैंने कोई अर्जेंट बात करनी तुमसे। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ओहो, मैंने कन्नों से सुनना। जी, तुमने अम्मा जी के पास जाकर महीर और मोना के रिश्ते की बात करनी। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मामला है, मुझे इस मामले से दूर रखो। अच्छा हमाद, ओ या अल्लाह, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस रिश्ते में कोई फायदा ही नहीं तुम्हारा। उस नक चढ़े खुद पसंद इंसान के साथ शादी करना कोई आसान काम नहीं है। मेरी बहन तैयार है इस कुर्बानी के लिए, और महीर नामी जाटू में कूदने के लिए भी रेडी है। हाँ तो उससे कहो कि कूद जाए, मगर मैं माजी से बात नहीं करूंगा, वैसे ही मैं बहुत थक गया हूँ, कसम से शहनशाह को समझा समझा के थक गया हूँ मैं। बेगम बेगम मेरी मेरी बात सुने, आराम से मेरी बात सुने। अगर मैंने माजी से बात की ना तो उनका जवाब मेरी बेइज्जती पे मबनी होगा ना। मोना तो अच्छी खासी चलाकू है, उससे कहो कि खुद कोशिश करके देख ले। हैं, महीर जैसे सीधे साधे लड़के को सेट करना उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना। तुमने भी तो मुझे सेट किया ही था ना, वो उसे कहो कि महीर को शीशे में उतार ले, मुझे बख्श दे, मैं माजी से बात मैं नहीं। जो मैंने कहना था वो कह दिया, तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ, समझे?